हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना चरणजीत सिंह चहल आज आपके सामने बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आने लगा हूँ। और मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स कि सर इसके ऊपर ज़रूर बोलें। तो फिर आज मैं इसके लिए आज स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ कि आज इसी के ऊपर ही बोलूँगा मैं, ठीक है। इट्स अ वेरी कॉमन दीज डेज, सबको पता है ना। तो मेरे पास कई लोग आते हैं जिम के अंदर, तो कई लोग आते भी हैं और पूछते हैं लोग जो ट्रांसफॉर्म होना है कुछ होना, व्हाट इज स्टीरॉइड। सो बेसिकली आज स्टीरॉइड के ऊपर बात करेंगे, वो क्यों है और किस लिए है, क्यों यूज करने चाहिए, क्यों नहीं करने चाहिए। बेसिकली यार, लोगों ने आज एक तो नेट ने नहीं बहुत काम खराब कर दिया लोगों का, क्योंकि नेट के थ्रू उनको ऐसी ऐसी चीज़ें पता चलने शुरू होगी जो मतलब ऐसे हैं बस, जब उनका क्या जवाब दोगे आप उन्हें, तो कई बार समझ नहीं आता कहाँ से पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट यार, एक अगर हम एथलीट की बात करें ना, तो एथलीट एक स्टूडेंट अगर लेता भी है, देखो हर एक एथलीट लेता है, ऐसा नहीं है कोई नहीं लेता, बट उनका एक गोल स्पेसिफिक होता है भाई, हमने इस गोल के टारगेट को हमने जो है अचीव करना, हमने इसके लिए लेना है, दैट्स इट, खत्म। तो वो उसको अगर आपने लिया भी है तो उसके लिए प्रॉपर आपके टेस्ट होते हैं यार, आपके साथ डॉक्टर्स लगे होते हैं, ब्लड टेस्ट हो रहे हैं आपके और सारा कुछ हो रहा है। अभी अगर आपको उससे कोई प्रॉब्लम होती भी है तो साथ के साथ वो सॉर्ट आउट कर देते हैं। अब आजकल की जनरेशन क्या है, जैसे कोई जिम आ रहे हैं, नए नए लड़के हैं, नया नया जिम ज्वाइन किया है ना, तो उनको पहले आते ही जिम में क्या, सर वो स्टीरॉइड हो जाएगा यार, कि मतलब क्या करना क्या चाहते हो यार, उन्हें पता ही नहीं, अभी फोकस कुछ है ही नहीं, क्यों हमने शरीर बनाना है, किसके लिए बनाना है और क्यों बनाना है। अगर हम प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स की बात करें यार, उनका गोल होता है, उन्होंने कम्पीट करना है यार पूरे, अगर कोई मिस्टर इंडिया कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा है यार, इट मीन्स कि आपने कितने लोगों के साथ वहाँ पर खड़ना है, 100-150 लोग हर एक कैटेगरी में होता है, कम से कम हज़ारों लोगों के साथ आपने भिड़ना है वहाँ पे जाके, तो आपको चाहिए वो चीज़ है, वो आपकी गेम है, आपने उसको कैसे खपाना है, कैसे नहीं करना, तो अलग अलग गेम है यार सब। अब एग्ज़ाम्पल ले के चलें, आप सॉकर ले लीजिए या फिर आपने 100 मीटर 400 मीटर वाले एथलीट्स ले लीजिए, जितने भी है सब यार, सब सबके सब परफॉर्मेंस के लिए सब लेते हैं थोड़ा थोड़ा, बड़े उनको उसको मैनेज भी करते हैं, वो कैसे करना कैसे नहीं करना, ठीक है। तो सब है, ऐसा नहीं है भी कोई नहीं लेता यार, ऐसा कोई नहीं, लोग रिवील नहीं करना चाहते ये चीज़ें। बेसिकली मैं आपके सामने खोल रहा हूँ इन चीज़ों को, तो मैं तो फिर खुल के खोलूँगा, फिर मैं चुप क्यों बैठूँ, अगर मैं मेरे को रोलिंग फिल्म एंटरटेनमेंट में अगर मुझे मौका दिया है बोलने का, तो फिर मैं पूरी अच्छी तरह ही बोलूँगा। तो आज मैं आपके सामने वही बात करने आया। तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं आजकल, उनको भी ये लग गया पता भी नहीं यार, स्टीरॉइड से पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं है यार। देखो गोल स्पेसिफिक है तो लो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। बेसिक सप्लीमेंट आपका प्रोटीन, ग्लूटामिन, BCAA, इनसे भी आपका सब कुछ हो सकता है, अमीनोज होगी, बेसिकली यही चाहिए होता है बॉडी को यार ग्रो करने के लिए, और क्या, डाइट अपनी अच्छी रखें, डाइट तो खानी नहीं, कई लोगों की तो स्टीरॉइड लेके भी बॉडी नहीं बनती, मेरे पास बहुत आते हैं ऐसे यार, मैं दे देता हूँ स्टीरॉइड आपको, मैं देता हूँ लो, आप बना के दिखा दो मुझे अगर बनती है तो, डाइट नाम की तो चीज़ ही नहीं है। उनसे पूछो अंडे कितने खाते हो, पता ही नहीं देंगे, चिकन कितना खाना है कुछ नहीं पता, तो फिर हर एक चीज़ आप उसके ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते भी, नहीं यार मैं स्टीरॉइड लूँगा तो मैं ऐसे बन जाऊँगा, या स्टीरॉइड ले लिया तो ऐसे हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है ये, कोई स्टीरॉइड यार इज अ फिनिशिंग टच, जो आपकी मेहनत है, जो आपका डिसिप्लिन है, आपकी डाइट, आपका टाइम है, वो सब कहाँ है, ये कोई स्पाइडरमैन थोड़ी ना यार, रात को मकड़ी काट देगी, अगर रात में इंजेक्ट कर दिया तो सुबह आप बॉडी बनकर तैयार हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है आपको। तो बात मेरी यही है कि यार, ये बस लोग आराम से चलें, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ऑब्वियस है यार, जितनी जल्दी ऊपर जाओगे, जो लोग शॉर्टकट्स अपनाते हैं तो गिरते भी उतनी जल्दी हैं वो, तो वो ज़्यादा स्टेबल भी नहीं रह पाते, उनको प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। कई एथलीट्स हैं, कई बॉडी बिल्डर्स हैं, कितने एथलीट्स हैं जिनको लीवर की प्रॉब्लम है, किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, कि वो ऐसे बहुत है, उनको टेस्ट नहीं कराते अपने टाइम से, ना उन्हें पता है। तो जब आप ऑब्वियस है यार, आप मैं आपके सामने मैं वीडियो लेके आया हूँ, आप ही सब मुझे कमेंट्स में नीचे बताना अभी आप कितनी बार अपना साल में बॉडी का टेस्ट कराते हैं, अब ये चीज़ मुझे आप ही बता देंगे अपने आप, अगर आप सच्चे हैं तो आप बिल्कुल सही लिखेंगे कितने के बार आपने अपनी बॉडी के टेस्ट कराए हैं, कोई नहीं कराता, ठीक है। आपको पता ही नहीं आपकी बॉडी क्या फंक्शन कर रही है, लीवर क्या फंक्शन कर रहा है, किडनी क्या फंक्शन कर रही है, ब्लड कितना है अंदर, या फिर यूरिक एसिड कितना है, किसी को कुछ नहीं पता होता, आप तभी कराते हैं जब बीमार होते हैं या डॉक्टर बोल देगा, अदरवाइज आप कभी कुछ नहीं करते, तो ठीक है। तो जो प्रोफेशनल है वो ये सारा कुछ नोट डाउन करके चल रहा होता है, स्टेप बाय स्टेप भी मेरी शुगर कितनी जा रही है, या मेरा यूरिक एसिड कितना है, या मेरा
LFT RFT में अपना LFT में मेरे SG OTPT तो नहीं बढ़ रहे, तो इन सबको कंट्रोल करके चलता है यार। दैट इज़ अ मेडिकल थिंग्स जो टेस्ट के अंदर आती हैं, मैं थोड़ी सी आपको वो बताई हैं, तो वो सारा कंट्रोल करके चलता है। तो ऑब्वियसली यार एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। आजकल जो आपको सुनने में मिलता है न्यूज़पेपर्स में, ये एथलीट की ऐसे पाउडर खा के डेथ हो गई, ठीक है, या फिर ये ऐसे खा के मर गया, बदनाम क्या हो रही है, बदनाम स्पोर्ट हमारा बॉडी बिल्डिंग हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है यार, अगर ये चीज़ें मरने वाली होती तो ये मार्केट में ही ना आती, ऐसी ईजी अवेलेबल होती अगर ऐसे कोई बंदा मर रहा था। ऐसे तो यार विस्की पे या सिगरेट आप जो लोग पीते हैं स्मोक करते हैं उस पर तो लिखा होता है जीसस टू हेल्थ, उसके बारे में तो कोई बोलता नहीं। आपके घर में अगर एक लड़का प्रोटीन लेके आ जाए तो भाई ये तो उसको खा के मर जाएगा, तो इसको खा के मर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है यार। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। कोई भी चीज़ ज़्यादा खाओगे, मैं अगर आपको 12-13 ग्लास पानी के इकट्ठे पिला दूँ तो भी तो बाहर ही आएगा, है ना। अब उसके बाद ये भी कहते हैं पानी भी पीना बड़ा खतरनाक है, अभी वो भी नहीं पीना चाहिए, उससे भी हेल्थ खराब हो जाती है। तो यार एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अब वैसे कोई चीज़ को अगर आप ज़्यादा करी जाओगे उसके साथ ध्यान नहीं दोगे तो आपका हेल्थ वो आपकी ख़राब ही करेगी। ऐसा कुछ नहीं है भी लोग इससे मर रहे हैं। आप मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेजर सर्जरीज हैं जो आपकी, कभी इंसान बहुत ज़्यादा बीमार हो जाए या फिर उसको कोई मेजर सर्जरी हो जाए, कैंसर हो गया या कुछ हो गया, कीमोथेरेपी हो जाती है कुछ होता है, तो उसमें आपको डॉक्टर क्या देते हैं, विटामिन इंजेक्शन थोड़े ना लगाते हैं, सिक्योरिटी देते हैं आपको यार, जिससे आप रिकवर कर सकें, उसको उस चीज़ को दोबारा लेके आ सकें। वो आपको नहीं बताएंगे बट हमें, मैं आपको बता रहा हूँ, वो ही चीज़ देते हैं जिससे आप रिकवर कर सकें उसको। तो ये जो चीज़ें बनी हैं ना रिकवर करने के लिए, मेरे रिप्लेनिश करने के लिए बनी, आपके मसल को अच्छा बनाने के लिए बनी है, पर लोग इसका मिसयूज़ करते हैं। तो ऑब्वियस यार मिसयूज़ करोगे तो उसके फिर रिजल्ट भी आपके सामने ही आएंगे। अब विस्की एग्जांपल ले लो आप, 2 पैकेट पियो तो दवाई है, पूरी बोतल पे हो गए तो लीवर की दुखाई है, तो सारा कुछ है, सारा कुछ मल्टीपल करके आपको खुद ही चलना पड़ता। तो इसको आराम से, और आजकल लोग इसी करके थोड़ा सा वो हो गया, नेट नहीं, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा, इंटरनेट बहुत ज़्यादा हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, जिनके ऊपर लोग अपने ब्लॉग्स डाल रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, ये ले लो इससे ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा। तो लोग वो पढ़ पढ़ के उनका दिमाग इतना ख़राब हो गया, तो उन्होंने जो रियलिटी है उसकी तरफ आना ही बंद कर दिया, वो फिक्शन में इतना चले गए भी ये ले लिया तो बस मैं बन गया भाई, मैं मेरे लगा दे, तो मेरे भैया तो मेरे जोड़ लगा दे, मेरी तो बॉडी बन गई, मैं बनूंगा सवेरे उठ के स्पाइडरमैन, मैं बनूंगा ही मैन। ऐसे नहीं होता यार, बहुत मेहनत होती है। जितने भी आपको लगता है कि प्रोफेशनल्स आप देखते हैं, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स भी आप देखते हैं, उनका करियर होता है यार, 20-20 साल, 25-25 साल उन्होंने उस करियर को दिए होते हैं, तब जाके वो कहीं पहुँचते हैं वहाँ पर। ऐसे नहीं ईजी कि आप दिनों में वहाँ पहुँच जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो कोई भी चीज़ है उसको सिस्टमेटिकली करना पड़ता है, ग्राफिकली चलें, ये नहीं है कि जब मन कर दिया ले लिया, नहीं या छोड़ दिया, ऐसे नहीं है, सिस्टमेटिकली गोल के हिसाब से चलें। और अगर आपने जब आपका कोई गोल नहीं है, कुछ नहीं, जनरल फिटनेस रखनी है, तो आपको ये चीज़ लेने की जरूरत नहीं, नॉर्मल सप्लीमेंटेशन लें और अपनी डाइट को प्रॉपर रखें, आप फिट रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं कहा स्टोर लेने से बंदा फिट रहता है, ठीक है, ऐसा नहीं है। वो उनके गोल्स हैं, वो उनको उसके हिसाब से लेना पड़ता है। सो बेसिकली मेरा समझाने का मतलब यही है, अगर आपको कोई गोल है तो उसको अचीव करने के लिए कुछ करना है तो लीजिए, अदरवाइज ना लीजिए, ठीक है। तो बाकी नीचे लिंक दिया हुआ है तो उस पर आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं रोनिक फिल्म एंटरटेनमेंट, और मुझे नीचे कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें जितना कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बड़ी नॉलेज की बात है जो मैं, जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको समझ आए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।